हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गई IQ7 में फरवरी 2023 में एक नया अपडेट आया। गई जानेंगे इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और क्या क्या बग्स मिले हैं। तो गई इसमें मुझे सबसे बड़ा बग देखने को मिला है, मैं अपने फ़ोन का डाटा हॉटस्पॉट के थ्रू ना शेयर नहीं कर पा रहा था और ना ही USB केबल के थ्रू। तो गई इस प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। और गई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो गई सबसे पहले आप इस अपडेट का वर्जन चेक कर सकते हैं, PD2055FEXA8716। तो गाइज ये इस अपडेट का वर्जन है और गाइज इसका जो साइज है वो 306 MB का है। और इसमें जो हमें चेंजेस मिले हैं सिस्टम में, ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड इनहेंस सिस्टम स्टेबिलिटी। और गाइज इसमें हमें जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलता है, तो गाइज यहाँ पे फरवरी का हो जाएगा जो इसका एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है। तो गाइज हमने कर लिया है इसको अपडेट। तो गाइज मैं आपको यहाँ आप सेटिंग में चेक कर देता हूँ। तो यहाँ अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे फंटा जो है 13 है और एंड्रॉयड वर्जन भी हमें 13 ही मिलता है। तो गाइज ये सब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे गाइज अब गूगल सिक्योरिटी पैच चेक कर लेते हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस मिले हैं। तो यहाँ गाइज आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है फरवरी के महीने का गूगल सिक्योरिटी पैच हो चुका है। और यहाँ पे जो गूगल प्ले सिस्टम का है गाइज, ये भी फरवरी का हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज दोनों ही हमें फरवरी के महीने के। और गाइज इस अपडेट को करने के बाद मुझे अपने फ़ोन में एक दिक्कत आने लगी थी, मैं अपने फ़ोन का जो डाटा है वो हॉटस्पॉट के थ्रू और ना ही डाटा केबल के थ्रू शेयर कर पा रहा था। तो गाइज इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया, तो गाइज इसके लिए हमें जाना है सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे गाइज आपको सिस्टम पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट ऑप्शन, इस पर टैप करना है। और यहाँ गाइज देख सकते हैं रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो गाइज आपको सिर्फ इसी पर टैप करना है और अपने जो फ़ोन का डाटा है वो रीसेट कर देना है। जितनी भी हमारे फ़ोन में वाईफाई और मोबाइल से रिलेटेड ब्लूटूथ रिलेटेड है, सारी सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगी। और गाइज इसे रीसेट करने से हमारे फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ जो हमने वाईफाई अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखे थे और ब्लूटूथ पेयर कर रखे थे उनको दोबारा से हमें अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा पासवर्ड डाल के, बाकी कोई भी हमारे फ़ोन का डाटा डिलीट नहीं होगा। तो गाइज मैंने भी इसी तरह अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गाइज मैंने सोचा पहले मेरे जो PC है शायद उसमें प्रॉब्लम आ गई है या फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन गाइज इस अपडेट को करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी थी। तो गाइज वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।